13 नवंबर को करण गौरी नाम का एक 25 वर्षीय युवक तालुका के कोहंगडाला के पास डोनाला वैनगंगा नदी घाट पर डूब गया जब वह अपने दोस्तों के साथ तैर रहा था। दो दिन बाद आज सुबह मछुआरों को करण का शव वैनगंगा नदी में मिला। सामोशी तालुका में दिवाली के मौके पर यहां का युवक करण गवारी एटापल्ली से अपने गृह नगर आया और अपने 11 दोस्तों के साथ गांव के पास वैनगंगा नदी घाट पर नहाने गया। इनमें से 3 दोस्त वहां रखी डोंगी पर बैठ गए। डोंगी पानी के गहराई में चली गई। बाकी मित्र तो बाहर आ गए लेकिन करण वहां पर बैठ गया। तब से पुलिस निरीक्षक विजयानंद पाटिल और आपदा प्रबंधन टीम के बूटानी और रिश्तेदारों के साथ पुलिस कर्मी नदी में उतरकर और ड्रोन कैमरों की मदद से करण की तलाश कर रहे थे। दो दिन बाद 15 नवंबर को एक मछुआरों को तलोती नदी के इलाके में उनका शव मिला जिसके बाद पुलिस और रिश्तेदारों को सूचना दी गई। सामोशी के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद करण का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। वह इकलौता बच्चा था और उसके माता पिता दादा दादी और एक विवाहित बहन जीवित थी। उनके जाने से परिवार को भी सदमा लगा है। नितिन मिश्रा, दिलीप श्रृंगार पवार और सामोशी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सामोशी पुलिस स्टेशन में घटना दर्ज कराई और पुलिस निरीक्षक विजयानंद पाटिल के मार्गदर्शन में सामोशी पुलिस आगे की जांच करी है। इनबीसी न्यूज के लिए गढ़चिरौली से बबन वडेट्टीवार की रिपोर्ट।